हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल देसी कपल इन जर्मनी। तो दोस्तों, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि अगर आप जर्मनी में रहते हो और अगर आपको आपकी फैमिली को जर्मनी बुलाना है तो आपको अप्लाई करना पड़ेगा उनके लिए फैमिली रियूनियन वीजा कैटेगरी में। तो उसी कंप्लीट प्रोसेस में एक और चीज ऐड होती है यहाँ पर, जिसे कहा जाता है मैरिज वेरिफिकेशन। तो उसी के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, उसकी क्या प्रोसीजर होती है, आपकी तरफ से आपको क्या डॉक्यूमेंटेशन करना होता है, और साथ ही में जो हम लोगों के साथ भी ये प्रोसेस ऐड हुई थी तो हम हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस भी यहाँ पर शेयर करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ये मैरिज वेरिफिकेशन क्या होता है और ये किन लोगों के केसेस में ऐड होता है? बेसिकली फैमिली रियूनियन वीजा के इंटरव्यू के बाद ये प्रोसीजर की जाती है। मोस्ट ऑफ द टाइम ये उन लोगों के साथ होता है जो न्यूली मैरिड है या फिर जिनके बच्चे नहीं हैं। तो जरा सा ये प्रोसेस इसलिए की जाती है ताकि जो जर्मन एम्बेसी है वो ये देख सके कि जो भी फैमिली रियूनियन के थ्रू आ रहा है वो सच में मैरिड है या नहीं। अगर आपके बच्चे हैं तो आप उनका बर्थ सर्टिफिकेट दिखाओगे, तो वो ज्यादा इसमें डिटेल में नहीं जाते हैं क्योंकि उनको पता होता है कि हाँ ये मैरिड है और इनके ये बच्चे हैं। लेकिन अगर बच्चे नहीं है या फिर आप न्यूली मैरिड हो तो जर्मन एम्बेसी जो है वो ये सच में देखना चाहती है और साथ ही में ये वेरीफाई भी करना चाहती है कि आपने जो भी मैरिज किया है वो सच में हुआ है या नहीं। कुछ केसेस ऐसी होती है कि लोग यहाँ पर रहते हैं और किसी और को अगर आना है तो वो फेक शादी करते हैं और उसके डॉक्यूमेंट्स बस वो दिखा देते हैं कि हमारी शादी हुई है और उस अगले पर्सन को वो फैमिली रियूनियन वीजा कैटेगरी के थ्रू जर्मनी में ले आते हैं। तो ये चीजें ना हो, ये सारी चीजें अवॉइड करने के लिए ये मैरिज वेरिफिकेशन की प्रोसेस ऐड की जाती है, जिससे कि जर्मन एम्बेसी को ये श्योर हो जाए कि हाँ इन्होंने सच में शादी की है और ये कुछ झूठे डॉक्यूमेंट्स देकर जर्मनी नहीं आ रहे हैं। तो ये चीज क्लैरिफाई करने के लिए ही ये मैरिज वेरिफिकेशन की प्रोसेस होती है। जैसे कि हमने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि जर्मनी के रूल्स बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं, तो जब भी मैरिज वेरिफिकेशन होता है बड़े ही बारीक तरीके से वो हर एक चीज को, हर एक डॉक्यूमेंट्स को चेक करते हैं और उसी के बाद वो अप्रूवल देते हैं। तो आपको ये सारी चीजें आज की वीडियो में जान लेनी है कि क्या क्या प्रोसेस होती है, और हमारा भी हम साथ में एक्सपीरियंस आपको बताएंगे ताकि आपको पता चल जाए कि किस तरीके का हमारा वेरिफिकेशन हुआ था, और इसी तरीके से आप थोड़ा सा प्रिपेयर कर सकते हो। और हम यहाँ पर सिर्फ हमारा नहीं बल्कि हमारे बहुत से फ्रेंड्स और कुछ जान पहचान वाले लोग हैं जिनके केस में भी ये मैरिज वेरिफिकेशन हुआ था, तो उन लोगों का किस तरीके से एक्सपीरियंस उन्हें आया था, उन लोगों के केस में क्या हुआ था, वो भी हम आपको मिक्स करके बताएंगे ताकि हम ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दे सके। तो अभी आपको ये पता कैसे चलेगा कि आपके केस में ये मैरिज वेरिफिकेशन होगा या नहीं? तो इसके लिए जब भी आपकी फैमिली रियूनियन का वीजा इंटरव्यू जो है वो हो गया, उसके बाद आपको 3 से 4 वीक में या हो सकता है 2 वीक में भी आपको एक मेल आ जाए जो कि आता है आपको काउंसिलेट की तरफ से, जिसमें ये मेंशन होगा कि अभी आपकी फैमिली वेरिफिकेशन होगा, या इस तरीके का वर्ड अगर मेंशन नहीं भी है तो सिंपली आपको देखना है कि अगर उन्होंने आपको आपका ओरिजिनल मैरिज सर्टिफिकेट काउंसिलेट को भेजना है और साथ ही में 45,000 रुपीज का DD भी भेजना है। अगर DD और मैरिज सर्टिफिकेट काउंसिलेट ने मांगा है, विच मीन्स आपको अभी फॉर श्योर क्लियर हो जाना चाहिए कि आपके मैरिज वेरिफिकेशन की स्टेप यहाँ पर आपके वीजा प्रोसेस में ऐड हो गई है। तो हमारे केस में हुआ ये था कि जैसे मैंने बताया आपको लास्ट वीडियो में, मेरा 29th December को इंटरव्यू था और उसके 2 वीक्स बाद मुझे मेल आया था कि आपको आपका मैरिज सर्टिफिकेट और 45,000 का DD भेजना है। अगेन DD पे जो भी एड्रेस वहाँ पे मेंशन करना है वो प्रॉपरली मेंशन करिए और वो DD और मैरिज सर्टिफिकेट वहाँ पे कुरियर कर दीजिए। उसके बाद कॉन्सुलेट की तरफ से हमें एक मेल रिसीव हुआ जो कि एक्नॉलेजमेंट मेल था, जिससे पता चल गया कि हमारे जो डॉक्यूमेंट्स और 45,000 का DD है वो उन तक पहुंच गया है। उसके बाद जो काउंसुलेट है वो किसी एडवोकेट को हमारी केस हैंडओवर करता है और फिर जो एडवोकेट होता है जो कि इंडियन ही होता है, तो वो एडवोकेट हमें कांटेक्ट करेगा और वो बताता है कि आगे की प्रोसीजर में उसको क्या क्या रिक्वायरमेंट है और वो आगे की प्रोसीजर किस तरीके से होने वाली है। और वो एडवोकेट जो है वो डायरेक्टली आपके जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा था वीजा इंटरव्यू में उसमें जो कॉन्टैक्ट डिटेल दिए है उसके ऊपर ही वो कॉल करता है। तो आपको मेक श्योर करना है कि आपकी वीजा एंट्री होने के बाद एटलीस्ट आपका अप्रूवल आने तक आपका जो वो कॉन्टैक्ट नंबर है वो 24/7 अवेलेबल हो, क्योंकि हो सकता है कि वो आपको वीकेंड पे भी कभी कॉल कर सकते हैं, तो आपको आपका फोन जो है वो हमेशा अवेलेबल रखना है। तो चलिए मैं बताती हूँ आपको कि एडवोकेट के साथ हमारा जो एक्सपीरियंस था वो कैसे था। सबसे पहले जैसे रजत ने बताया कि जो मेंशन कॉन्टेक्ट नंबर होता है उस पर वो कॉल करते हैं, तो हमें वो एडवोकेट का कॉल आया और उन्होंने हमें डेट एंड टाइम बताया कि वो इस टाइम पे और इसी डेट पे आने वाले हैं। तो हम थोड़ा नर्वस थे कि एडवोकेट आने वाले हैं और क्या क्या क्वेश्चंस पूछने वाले थे, हमें बिल्कुल भी वहाँ पे पता नहीं था। जैसे ही वो एडवोकेट हमारे सोसाइटी के एंट्रेंस पे आए
तो उन्होंने तो पहले सोसाइटी का फोटो ले लिया। तो ये सारी जो है वो उनकी प्रोसीजर का एक पार्ट होता है। तो सोसाइटी का फर्स्ट तो फोटो ले लिया, उसके बाद हमारे घर के एंट्रेंस का भी फोटो ले लिया। तो घर में आने के बाद घर में जितने भी लोग थे उन्होंने उनके साथ क्वेश्चंस पूछना स्टार्ट किया। जैसे मेरे इन-लॉज थे तो उन्होंने उनको पूछा कि जैसे आपका नाम क्या है, आप काम क्या करते हो। इवन दो उनका आधार कार्ड भी चेक किया और आधार कार्ड की भी फोटोज उन्होंने वहां पे क्लिक कर ली। ये आप ध्यान रखिए कि जब भी वो वेरिफिकेशन के लिए आते हैं तो आपके घर में जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं, मेक श्योर करिए कि वो फैमिली मेंबर उस दिन एटलीस्ट प्रेजेंट हो। जैसे ही इन-लॉज का वेरिफिकेशन हो गया, सारे क्वेश्चंस उनको पूछ लिए, इन-लॉज के बाद कुछ क्वेश्चंस मुझे भी पूछे, जैसे कि मेरे शादी के पहले वाला नाम, मैं कहाँ पे रहती थी, मेरे पेरेंट्स कहाँ पे रहते हैं, उनका नाम, मेरे भाई बहन कितने हैं, वो क्या करते हैं, अगर वो जॉब कर रहे हैं तो कहाँ जॉब कर रहे हैं, उनका एजुकेशन क्या हुआ है, ये सारी चीजें वो बार कहीं से पूछते हैं और जो भी उनके पास उनकी क्वेश्चन लिस्ट रहती है उसमें लिखते हैं। तो आप ये भी मेक श्योर करिए कि आपके भाई बहन कहाँ पे स्टडी करते हैं या फिर कहाँ पे जॉब कर रहे हैं, ये भी डिटेल्स आप लिख के रखिए। इवन दो उनकी डेट ऑफ बर्थ से लेके उनके जॉब का एड्रेस, ये भी सारी डिटेल्स आप अपने पास रखिए। उसके बाद हो सकता है कि हमारे केस में तो उन्होंने मेरी सिस्टर के भी डिटेल्स मांगे थे जो कि ऑलरेडी मैरिड थी और हमारे साथ नहीं रहती है, फिर भी उन्होंने वो कहाँ पर रहती है, उनका एजुकेशन क्या हुआ था, कहाँ से वो पढ़ी थी, उसके बारे में भी डिटेल्स पूछे थे। तो आप मेक श्योर करें कि आपके जितने भी क्लोज फैमिली मेंबर्स हैं उनकी सारी डिटेल्स आपके पास अवेलेबल रखिए। जबकि मेरी सिस्टर जो है वो जापान में रहती है तो उन्होंने उसका वहाँ का भी एड्रेस हमें पूछा था कि वो जापान में कहाँ पर रहते हैं, तो हो सकता है कि आपको भी इतने डिटेल्स वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसी के साथ वो एडवोकेट ने ये भी चेक किया कि ये जो भी हम घर में रहते थे वो घर किसके नाम पे है, वो घर के कुछ डॉक्यूमेंट्स उन्होंने हमारे देखे, उसके भी फोटोज उन्होंने लिए, उसके बाद वो घर के कुछ इलेक्ट्रिसिटी के लास्ट 3 मंथ्स के इलेक्ट्रिसिटी बिल भी उन्होंने चेक किए, उसके भी फोटोग्राफ लिए। तो सारे क्वेश्चंस और डॉक्यूमेंटेशन वेरीफाई होने के बाद उन्होंने रूपाली और मेरे पेरेंट्स को साथ में बिठाकर एक फोटो भी ली। इतना ही नहीं बल्कि आस पड़ोस में जो भी आपके नेबर्स रहते हैं उनके साथ भी वो जाकर कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं, जैसे कि वो ये देखते हैं कि वो लोग हमें जानते हैं या नहीं, हम लोग कितने दिनों से वहां पर रहते हैं, हमारी शादी कब हुई थी, ऐसे भी कुछ क्वेश्चंस वो पूछ सकते हैं। तो आप मेक श्योर करें कि आपके आस पड़ोस में भी आप ये ऑलरेडी बता करके रख दीजिए कि हो सकता है वेरिफिकेशन के लिए कोई एडवोकेट आए और वो आपको इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आप उनको थोड़ी सी जानकारी पहले से देकर रख लीजिए। तो ये हो गया मेरा ससुराल वाला मैरिज वेरिफिकेशन, उसी के साथ वो मायके का भी मैरिज वेरिफिकेशन करते हैं। तो अभी यहाँ पर ये जरूरी नहीं है कि वो अगर आपके ससुराल में आए हैं तो आपके मायके में भी जाएंगे ही जाएंगे। तो कुछ केस में ऐसे भी हुआ कि उन्होंने कहा कि चलिए आप आपके पेरेंट्स को फोन लगा दीजिए क्योंकि वो दूर रहते हैं और वीडियो कॉल पे या फिर ऑडियो कॉल पे वो बात कर लेते हैं और उनके डिटेल्स वो अपने पास लिख लेते हैं, और अगर उनके कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए हो तो वो व्हाट्सएप पे उनको भेजने के लिए बोलते हैं। तो ये सिचुएशन टू सिचुएशन थोड़ा सा वैरी हो सकता है, लेकिन हम डिटेल में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहते हैं कि इसमें से कोई भी चीज अगर आपके साथ हो तो आप उसके लिए पहले से ही थोड़ा सा वेल प्रिपेयर रह सके। तो हमारे केस में वो मेरे मायके भी गए थे और जैसे वो ससुराल में एंट्री करने के बाद उन्होंने सोसाइटी की फोटोज ली, वही सेम प्रोसीजर उन्होंने वहाँ पे भी फॉलो की। वहाँ पे जाने के बाद मेरे घर का फोटो और उसके साथ घर के डॉक्यूमेंट्स, 3 मंथ्स इलेक्ट्रिसिटी बिल और मेरे पेरेंट्स को सेम क्वेश्चंस पूछे थे जो मेरे इन-लॉज को पूछे गए थे। साथ ही में उनके आधार कार्ड के फोटो ले लिए और जैसे हमारा यहाँ पे ससुराल में एक फैमिली फोटो उन्होंने खींचा था वैसे ही सेम फोटो उन्होंने मेरे पेरेंट्स के साथ और मेरे जो सिबलिंग्स थे उनके साथ भी खींच लिया। तो जब भी आपके पास ये वेरिफिकेशन का कॉल आता है तो आप अपने मायके में भी ये सारी चीजें बताकर रखिए कि आपको ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि आपके बेटी की शादी कब हुई थी, कौन से पंडित जी आए थे, किस डेट में हुई थी, किस टाइम पर हुई थी। इवन दो उन्होंने मेरे मायके में जो नेबर्स थे उनसे भी कुछ क्वेश्चंस पूछे। इसी के साथ वो आपको ये भी पूछते हैं कि आपकी शादी कहाँ पर हुई थी, आपकी शादी में जो भी गुरुजी आए थे या फिर पंडित आए थे वो कौन थे। वो आपको ये भी बोल सकते हैं कि जिस भी पंडित जी ने आपकी शादी करवाई है कि हमें उनको भी मिलना है। तो हमारे केस पे भी ये हुआ था, उन्होंने रूपाली को कहा था कि आपकी शादी जिस भी पंडित जी ने करवाई है उनके पास हमें ले चलो। तो रूपाली वो एडवोकेट को लेकर वो पंडित जी के पास गई, पंडित जी ऑलरेडी एक शादी में ही थे और उन्होंने वो पंडित जी से एक लेटर लिखवा के लिया कि हाँ मैं इन दोनों को जानता हूँ, इनकी शादी मैंने ही करवाई थी, ये डेट पे करवाई थी, और उस लेटर पे वो पंडित जी की सिग्नेचर भी लेती है।
और वो लेटर अपने पास रखते हैं, और साथ ही में जब भी वो पंडित जी आपके लेटर पे सिग्नेचर करते हैं उस वक्त का वो एडवोकेट ने एक फोटो भी ले लिया था, तो ये ओवरऑल प्रोसेस जो है वो काफी स्मूथ हो जाती है। लेकिन इसी के साथ हमारे एक फ्रेंड को थोड़ा सा वियर्ड एक्सपीरियंस ये वेरिफिकेशन प्रोसेस में एडवोकेट की तरफ से आया था, तो वो भी हम आपको यहाँ पर शेयर करना चाहेंगे। तो जो एडवोकेट थे वो आने वाले थे उनके यहाँ पे शाम के टाइम पे, पर वो रात में 10 बजे उनके घर पे पहुंचे। उन्होंने उनसे क्वेश्चंस पूछे, जो भी डॉक्यूमेंटेशन थे वो सारी चीजें हो गई। इन सारी चीजों में उनका 40-45 मिनट चले गए। फिर करीब 11:15 बजे उन्होंने कहा कि अभी हमें नेबर से भी मिलना है और उनसे भी क्वेश्चंस पूछने हैं। तो ये सारी सिचुएशन काफी वियर्ड थी, फिर भी उन्होंने नेबर्स से कुछ क्वेश्चंस पूछे। और वो क्वेश्चंस होने के बाद करीब 11:15 होने के बाद उन्होंने कहा कि अभी मुझे पंडित जी के पास भी जाना है। तो आप सोच सकते हो कि रात में 11:15 बजे के बाद कोई पंडित जी के पास जाके वहां पे भी वेरिफिकेशन करना चाहता है। मेरी फ्रेंड फिर भी राजी हो गई कि ठीक है अभी क्या कर सकते हैं, जाना है जर्मनी। तो उस चीज के लिए वो एडवोकेट को साथ में लेके वो पंडित जी के पास गई। जो भी प्रोसीजर हमने बताई पंडित जी वाली वो सारी वहां पे प्रोसेस हो गई और वहां पे फोटो खींचा और उसी के बाद वो गए। तो हम ये सारी चीजें आपको डराने के लिए नहीं बता रहे हैं, पर ये सब सारी चीजें हुई है एक्चुअल में लोगों के साथ, तो आप थोड़ा प्रिपेयर रहिए। तो ये होगी ओवरऑल मैरिज वेरिफिकेशन की प्रोसेस। उसके बाद जो एडवोकेट है वो सारे डिटेल्स जो भी उनकी फॉर्मेट में होता है वो कॉन्सुलेट को सबमिट करता है कि ये सारी चीजें मैंने वेरीफाई कर ली है, मेरी तरफ से ये ओके है। उसके बाद कॉन्सुलेट आगे की प्रोसेस कर सकता है। उसके बाद अगर उन्हें कुछ एडिशनल क्वेरी हो तो हो सकता है कि जो भी जर्मनी में आपका स्पाउस रहता है उनके पास वो कुछ लेटर या फिर ईमेल भेजे जिसमें वो अगेन आपकी सैलरी स्लिप, आपकी कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट या फिर आप जिस अपार्टमेंट में जिस हाउस में रहते हो उस घर का कॉन्ट्रैक्ट वो मांग सकते हैं। तो आपको अगेन वही डॉक्यूमेंट्स आपको फिर से उन्हें ईमेल करने हैं या फिर पोस्ट करने हैं जो भी एड्रेस उन्होंने बताया है वहां पर। तो ये सारी चीजें होने के बाद जैसे कि आपका वीजा इंटरव्यू में जो डॉक्यूमेंट्स आपने सबमिट किए वो आपका वीजा इंटरव्यू होता है। उसके बाद ये मैरिज वेरिफिकेशन जिसमें एडवोकेट आता है आपके घर पे, आपके ससुराल में, मैके में, हर जगह वेरीफाई करता है। और अगर किसी केस में उन्होंने जो आपके स्पाउस जर्मनी में रहते हैं उन्हें कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट्स की आस की, वो डॉक्यूमेंट सबमिट होने के बाद और ये सारी चीजें वेरीफाई होने के बाद और जर्मन काउंसुलेट सेटिस्फाई होने के बाद ही वो आपको अप्रूवल मेल भेजते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है वो अगेन हमने आपको फैमिली रियूनियन वाली हमारी जो वीडियो है उसमें डिटेल में बताया है। आपको फिर से हम बताना चाहते हैं कि उसके बाद आपको एक अप्रूवल मेल आ जाएगा विद सम एडिशनल डॉक्यूमेंट्स, वो आपको सबमिट करना है जिसमें आपका इंश्योरेंस होता है, पासपोर्ट होता है, और जो अप्रूवल मेल आपको आई है उसकी एक प्रिंटआउट और आपका पासपोर्ट आपको सबमिट करना है, और आपको आपका वीजा जो है वो स्टैम्प होके आपके पासपोर्ट पे मिल जाएगा। उसके बाद आप जर्मनी आने के लिए रेडी हो गए। तो ऐसा था हमारा ओवरऑल एक्सपीरियंस। तो अगेन मैं बताना चाहूंगी कि जर्मनी के रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, तो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन या फिर मैरिज वेरिफिकेशन जो भी चीज ये वेरिफिकेशन के रिलेटेड है या फिर वीजा प्रोसेस के रिलेटेड है तो बहुत ही केयरफुली करिए। आई होप हमारी ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होंगी। तो विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फैमिली रियूनियन वीजा एंड मैरिज वेरिफिकेशन प्रोसेस। तो आई होप हमने इस वीडियो में आपको जो भी डिटेल में इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की है वो आपको पसंद आई होगी। तो अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपके फ्रेंड्स या फैमिली में से अगर कोई फैमिली रियूनियन वीजा कैटेगरी के थ्रू या फिर जिनका मैरिज वेरिफिकेशन होने वाला है उनके साथ शेयर कीजिए ताकि उनकी भी थोड़ी सी हेल्प हो जाए। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे वाली लाल बटन दबाकर प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। उसी के साथ आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, आपको हमारा इंस्टाग्राम हैंडल यहाँ पर दिख जाएगा। और उसी के साथ अगर आपको कुछ भी इस प्रोसेस में क्वेश्चन या फिर क्वेरी है तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो या फिर आप हमें हमारे इंस्टाग्राम पर भी हमें मैसेज कर सकते हो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे ट्यून, बाय बाय।